नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम अविनाश है। आईपीएल के 48वें मुकाबले पर हर किसी की नज़र थी, वो इसलिए कि रोहित शर्मा खेलते हैं या नहीं, क्या रोहित शर्मा फिट होकर मैदान पर उतरेंगे। मन में कई सवाल थे और जवाब भी मिल ही गया। रोहित शर्मा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ खेलने के लिए नहीं उतरे, उन्हें इस मैच से भी बाहर देखा गया। इसके पीछे की वजह यह है कि रोहित शर्मा पूरी तरह से फिट नहीं है और मुंबई इंडियंस के लिए एक बार फिर से किरण पोलार्ड कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। टॉस के वक्त किरण पोलार्ड मुंबई इंडियंस के लिए बतौर कप्तान देखे गए। हालांकि खबरें ये चल रही है कि रोहित शर्मा नेट्स में जमकर पसीना बहा रहे हैं और बल्लेबाजी भी कर रहे हैं। बावजूद इसके ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रोहित को चुना नहीं गया। सिलेक्टर्स ने रोहित की हैमस्ट्रिंग चोट का हवाला देते हुए उन्हें इस दौरे से बाहर रखा है। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि अगर रोहित इतने ही अनफिट हैं तो फिर नेट्स में इतना पसीना क्यों बहा रहे हैं। एक सूत्र ने बताया कि रोहित शर्मा नियमित अभ्यास कर रहे हैं। किंग्स इलेवन पंजाब से मैच के बाद अगला दिन आराम का था और इसलिए टीम की कोई ट्रेनिंग सेशन भी नहीं था, लेकिन फिर भी मुंबई की टीम अभ्यास करने के लिए उतरती है और रोहित शर्मा भी प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेते हैं और अपने पैरों पर धीरे धीरे काम शुरू कर देते हैं। इन दिनों रोहित शर्मा लगातार नेट्स में बल्लेबाजी कर रहे हैं, यहां तक कि पिछले मैच से पहले भी उन्होंने मैदान पर थ्रो डाउन का अभ्यास किया था। वो ईमानदारी से मैच फिटनेस हासिल करने पर काम कर रहे हैं। आपको बता दें, आईपीएल का 48वां मैच मुंबई और आरसीबी के बीच खेला जा रहा है। इस मैच में रोहित शर्मा खेलने के लिए नहीं उतरे, हो सकता है खुद को पूरी तरह से पहले फिट रखना चाह रहे हो। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।